अब रुख में बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा प्रदेश संगठन के विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव शोभाराम सोलंकी को सौंपा है। आंदोलन की शुरुआत राम मंदिर चौराहे से विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों किसान खातेगांव बस स्टैंड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और करीब एक घंटे तक धरना प्रदर्शन करते रहे। इसके पश्चात समस्त किसान बंधु विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में रैली के रूप में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय खातेगांव पहुंचे और एक ज्ञापन अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में किसानों की प्रमुख मांगे फसल बीमा दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रभारी कार्यवाही करवाई जाए, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया कर्ज माफी का वचन सरकार तत्काल निभाए, कर्ज माफी से वंचित रह गए किसानों को फसल बीमा दिलाने के लिए कार्यवाही करे, समस्त अधिसूचित फसलों की खरीददारी सरकार करे, फसलों के बोनस देने का वचन सरकार निभाए, किसानों की खेती के लिए 12 घंटे बिजली दे सरकार, वर्षा से खराब हो गई है, सोयाबीन फसल का सर्वे कर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए, जैसी प्रमुख 21 मांगे को लेकर आज यहां धरना आंदोलन रखा गया था। प्रदेश संगठन के निर्देश पर और क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है, लोगों के जो मकान गिर गए, दीवार गिर गई है, घरों में पानी घुसने के कारण जो उनका नुकसान हुआ है, इसकी समस्या को लेकर हमने अनुविभागीय दंडाधिकारी खातेगांव को आज ज्ञापन दिया है, रैली निकाली है, धरना दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जो 24 सूत्री मांग पत्र है वो SDM को सौंपा है, जिसमें किसानों से वसूली चाहे बैंकों की हो चाहे बिजली बिल की हो वो तत्काल प्रभाव से रोकी जाए, जो बिजली कटौती क्षेत्र में जारी है वो बंद की जाए, किसानों की फसलों का नुकसान का JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.